नमस्ते, संगीता शर्मा के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हनी चिली पटेटो। तो आइए देख लेते हैं हमें इसके लिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी। ये मैंने कच्चा आलू लिया है, इसको धो के मैंने छील लिया है। इस तरह से मैंने दो आलू और छील के रखे हैं। अब इसको किस तरह से पीसेस करना है आलू के मैं बताती हूँ। ऊपर की लेयर ज़्यादा मोटी नहीं काटना है हमें, इस तरह से मैंने चार पीसेस कर लिए। अब मैं काट के बताती हूँ किस तरह काटना है। ये देखिए, इस तरह से हमें लंबे आकार में पीसेस काटना है। ये देखिए, मैंने तीन बड़े साइज के आलूओं को इस तरह से काट लिया है और इनको पानी में डाल दिया ताकि ये काले ना पड़े। पानी में से निकाल के हम आलूओं को कढ़ाई में डालेंगे। आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे ताकि आलूओं के अंदर भी नमक समा जाए, और हम पानी डाल देंगे। आलूओं को डूबने तक का पानी इसमें भर देंगे हम। आलूओं को हम तेज आंच पे उबलने देंगे। जब एक उकाली आ जाएगी उसके बाद हम गैस का फ्लेम कम कर देंगे और उसके बाद 5 मिनट तक और उबलने देंगे ताकि आलूओं में अच्छे से नमक पहुंच जाए और हल्के से आलू नरम हो जाए। आलूओं को उबालने से इसके अंदर का स्टार्च भी निकल जाएगा और आलू नमक को भी सोख लेंगे। आलूओं को इतना उबालना है कि आलू के पीसेस वैसे के वैसे ही बने रहे, मतलब हम निकाले तो टूटे ना। ये देखिए, आलू हमारे आधे पक चुके हैं। अब इनका हम पानी नितार देंगे। पूरी तरह से पानी नितर गया है। एक चम्मच डालेंगे चावल का आटा और एक चम्मच डालेंगे मैदा और इनको हाथ से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से इन पर कोट हो जाए। मैदा और चावल के आटे में हमने आलूओं को अच्छे से कोट कर लिया है। अब हम एक बाउल में 4 चम्मच चावल का आटा डालेंगे और 4 चम्मच मैदा। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका गाढ़ा घोल तैयार करना है हमें। थोड़ा नमक भी डालना है हमें इसमें। ये देखिए, इस तरह का घोल चाहिए हमें। ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है ना बहुत ज़्यादा पतला। ऑयल को गर्म करने रख देंगे, तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो ये आलू हमने थोड़ी मैदा और थोड़े से चावल के आटे में हमने कोटिंग करके रखा था, उनको हम इस घोल में डाल देंगे और हल्के हाथ से इनको मिक्स कर लेंगे ताकि सब पे कोटिंग हो जाए। देखिए, हमारा एक एक फिंगर्स अच्छे से बैटर में कोट हो चुका है। तेल को हमने तेज आंच पे गरम कर लिया है और उसके बाद फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है। अब हम एक एक करके कोटिंग किए हुए फिंगर्स डाल देंगे इसमें। फिंगर्स को पूरी तरह से नहीं तलना है हमें, हल्के हल्के से तलना है इन्हें ताकि थोड़े से हार्ड हो जाए। जारी को थोड़ा होल्ड करके रखें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से हम सारे फिंगर्स तल लेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि एक साथ नहीं डालना है, हमें एक एक ही डालना है ताकि ये एक दूसरे से चिपके ना। ये देखिए, फिंगर्स को हमने एक बार तो फ्राई कर लिया है। हमने इनको पहली बार फ्राई करते समय थोड़ा सा ही फ्राई करा। अब हम जब दूसरी बार फ्राई करेंगे तो ये एकदम क्रिस्प हो जाएगी और ब्राउन हो जाएगी। पहली बार में हम इनको ब्राउन कर लेंगे तो ये बाद में नरम पड़ जाते हैं, इसलिए हम इसको अब दूसरी बार फ्राई करेंगे। ऑयल को हमने तेज गर्म कर लिया है। अब हम इनको डाल देंगे और इनको ब्राउन होने तक तल लेंगे। यदि आप पहली बार में इनको हम ब्राउन कर लेते हैं तो यह उस समय तो ब्राउन लगते हैं लेकिन ठंडे होने के बाद ये नरम हो जाते हैं, इसलिए पहली बार में इनको कम तलना है और दूसरी बार में इनको फिर से तलेंगे हम ब्राउन होने तक। ये डिश बनाने में थोड़ा सा वक्त तो लगता है लेकिन बनने के बाद जो इसका टेस्ट होता है ना, वो बड़ा लाजवाब होता है। ये देखिए, हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है। अब हम थोड़े से और कर लेंगे ब्राउन इनको। आप देख सकते हैं फिंगर्स वैसी की वैसी है, बिल्कुल भी नहीं टूटी है। ये देखिए, ब्राउन हो गए। अब हम इनको निकाल लेंगे। देखा आपने, हमने जब सेकेंड बार इसको तला तो बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा, फटाफट तल गए। तो इस बात का ध्यान रखें, जब पहली बार इनको तलना है तो मीडियम रखना है गैस को, और जब दूसरी बार तलेंगे तो फुल फ्लेम पे तलना है। देखिए कितने क्रिस्प हो गए हैं कि हमने डालते वक्त ही आवाज़ आ रही, उससे ही पता चल रहा है कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। अब इसी तरह हम बाकी के भी तल लेंगे। ये देखिए, पटेटो फ्राइज बनके तैयार हो गई है। ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है ये। अब हम कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल देंगे। ये बारीक कटे हुए लहसुन लिए हमने। लहसुन की क्वांटिटी अच्छे से ले तो ही इसमें स्वाद अच्छा आएगा। लहसुन को हल्का सा ब्राउन होने तक भून लेंगे। हल्के से ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च
तिल लिए हमने, उसमें तिल भी डाल देंगे, तिल से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मैंने लंबे आकार में बारीक बारीक प्याज काटे हैं, अब हम वो डाल देंगे। और ये शिमला मिर्च है वो भी बारीक कटी हुई लंबे आकार में, वो भी डाल देंगे हम। और इनको अच्छे से ब्राउन होने तक इनको हम भून लेंगे। जब ये बन के तैयार होगी ना ये डिश, तब देखना आप, आपको देखते ही मुँह में पानी आ जाएगा, मतलब ये इतनी बढ़िया डिश बनती है। तो ये देखिए ये सब मिक्सचर अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें डाल देंगे, रेड चिली सॉस, सोया सॉस, टोमेटो सॉस, काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक। नमक कम ही डालना है हमें, क्योंकि सभी सॉसेस में भी नमक है और हमने जो फिंगर्स तले हैं उनमें भी हमने नमक डाला था, इसलिए नमक थोड़ा कम ही डालें। सॉस डालने के बाद थोड़ा सा पकने देंगे हम। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी। इस चम्मच के माप से हमने कॉर्नफ्लोर लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको घोल लेंगे। घोलते हुए इस ग्रेवी में हम डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से ग्रेवी हमारी थिक भी हो जाएगी और ये बहुत अच्छा टेक्सचर भी देगा। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद भी ग्रेवी को थोड़ा सा पकाना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच हनी, जो इसको सबसे अच्छा टेस्ट देगा। मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम डालेंगे सबसे लास्ट में फ्राइज और इनको मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से, ताकि इसमें सारी ग्रेवी अच्छे से कोट हो जाए। तो देखिए हनी चिली पटेटो बनके तैयार हो गए हैं और ये दिखने में बहुत ही डिलीशियस लग रहे हैं। अब हम इनको रोस्टेड तिल से गार्निश करेंगे। अब हम देख लेते हैं कैसी बनी है ये डिश। बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है ये डिश, आप ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।